Reaction Reels. हेलो गाइस, वेलकम टू रिएक्शन रील्स. इसी शहर आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ उसका टाइटल है क्लीन बांग्लादेश इज गेटिंग रेडी बी डी क्लीन. तो चले गाइस, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे. तो चले गाइस, हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं. कितना मेहनत का काम है यार ये. जैसे लोगों की समझ नहीं आती, जो कचरा इसी तरह फेंक देते हैं और फिर ये भी सोचते हैं कि हमारा ही जो है इर्द-गिर्द का माहौल गंदा हो रहा है. यार इन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए. यार इन, मैं तो कहती हूँ इन लोगों के लिए जो है बनता है कि गंदगी जिसको देखने का दिल नहीं करता है वो तो उसको साफ कर रहे हैं.
साफ सुथरा शहर कितना खूबसूरत लगता है। काश इन लोगों को कुछ समझा दे जो कंट आते हैं। गदर गंदगी फैलाई हुई है। रियली अप्रिशिएटेड है यार इन लोगों को कि कितनी मेहनत से जो है उठा रही हैं। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? तो कचरा कैसी थी हमारी आज की वीडियो बांग्लादेश को क्लीन करने की जो मुहिम चलाई हुई है बांग्लादेश में। अभी 4 मंथ जो है पुरानी ये वीडियो है, मतलब कि लेटेस्ट वीडियो है ये। इसके मुहिम के तहत जो है वो पूरे जो है कंट्री में जो है वो जो गंदगी के ढेर हैं उनको उठाया जा रहा है, उनको साफ किया जा रहा है। हमारे यहाँ ये मुहिम जो है कराची में चलाई गई थी। कराची में जो है काफ़ी जो है कचरा वगैरह होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी के ढेर वगैरह होते हैं। तो पहले यहाँ पे मुहिम चलाई गई थी तो यहाँ पे काफ़ी जो है कचरा वगैरह उठाया गया था, बहुत जगहों को साफ़ सुथरा किया गया था। वहाँ के क्या हालात है मुझे नहीं पता इस चीज़ का। अलबत्ता जो बांग्लादेश की बात की जा रही है तो बांग्लादेश के बारे में ही हम बात करेंगे। काफ़ी लोग जो हैं वो इस मुहिम का हिस्सा हैं, इसमें मेल्स हैं, इसमें फीमेल्स हैं, और बग़ैर किसी हेजिटेशन के, बग़ैर किसी ऐसी चीज़ के वो लोग जो है अपने काम में मगन है और अपना काम वो लोग कर रहे हैं। गंदगी के ढेर को उठा रहे हैं और गंदगी जो है वो साइड पे लगा रहे हैं, ठिकाने पे लगा रहे हैं। अच्छा, मैं सोचती हूँ कि इस तरह के लोग आते कहाँ से हैं यार जो इतना गंद फैलाते हैं। आप लोगों को मतलब क्यों समझ नहीं आती, या कुछ ऐसा है, या आप लोगों में सेंस नहीं है कि अगर हम कचरा फेंकेंगे तो वो हमारे माहौल को गंदा करेगा। इसके लिए हम अपने घर की मिसाल ले लेते हैं कि घर में जो है हम गंद कभी नहीं फेंकना चाहेंगे। घर का जो गंद होता है वो हम चाहते हैं कि वो घर से भी बाहर फेंक दिया जाए। तो यार इस तरह की किस तरह के सेंसलेस लोग होते हैं जिनको बिल्कुल किसी चीज़ की समझ नहीं होती, वो उठा के अपने इर्द गिर्द के माहौल को गंदा कर देते हैं।
कि अगर मैं अपनी मिसाल लूँ ना, अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ, अगर मैं घर गाड़ी में हूँ ना और मुझे कोई चीज़ फेंकने की ज़रूरत पेश आ रही है, तो या तो मैं उसको अपने बैग के किसी कोने में छुपा लेती हूँ कि मैं बाद में जो है वो घर जाके फेंक दूंगी, या किसी पब्लिक प्लेस में कोई मुझे डस्टबिन नज़र आएगी मैं उसमें फेंक दूंगी, या अलबत्त रोड पे, मैं कहती हूँ कि रोड पे मैं कूड़ा नहीं फेंकती। मैं काफ़ी लोगों को देखती हूँ कि जो गाड़ी से गुजरते हुए जो है गाड़ी में कोई चीज़ खाई पी, या कोई चिप्स के पैकेट्स वगैरह, बिस्किट्स के पैकेट्स वगैरह, या जूस वगैरह, या कुछ इस तरह की कोई भी चीज़ होती है वो गाड़ी से जो है बाहर फेंक देते हैं। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है। अगर यही मतलब कि देखें, हर बंदे में अगर ये शऊर आ जाए ना, हर बंदे में ये समझ आ जाए कि मैंने जो है इस तरह अपने आप को जैसे मैंने साफ रखना है ना, उस तरह मैंने अपने माहौल को साफ रखना है, तो ऐसे फिर कोई भी जो है इस तरह से किसी शहर में, किसी भी मुल्क में गंद नहीं पड़ेगा। अच्छा, जो बाहर के जो कंट्रीज़ हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, लाइक अमेरिका, कनाडा, इस टाइप के, जो चाइना, यहाँ पे गंद क्यों नहीं होता? होता होगा, कि ज़रूरी नहीं है कि हर जो है किसी चीज़ का अच्छा पहलू दिखाया जा रहा हो तो उसका बुरा भी नहीं होगा। बुरा, बुरी चीज़ जो है वो हर जगह पाई जाती है, बुराई हर जगह पाई जाती है। अब जैसे हमारे जैसे कंट्रीज़ हो गए, जैसे लाइक पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश और इंडिया, इस टाइप के जो और भी काफ़ी कंट्रीज़ जो है इस लाइन में आते हैं, यहाँ पे जो अक्सर लोग हैं ना, कुछ लोग, मैं सबको नहीं कहूँगी, सब लोग जो है उसमें से चंद लोग आते हैं कि जो वाकई में इस चीज़ को जो है वो नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो जो है अपने इर्द गिर्द के माहौल को गंदा करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह की चीज़ें जो है वो छुपाई जाती हैं, हर कंट्री में छुपाई जाती हैं, ऐसे पहलू सामने नहीं किए जाते, ऐसी चीज़ें जो है वो पीछे डाल दी जाती है और अच्छी चीज़ों को सामने किया जाता है जगह की इमेज को अच्छा बनाने के लिए। लेकिन मैं ये चीज़ कहूँगी कि अच्छे पहलू हर जगह के होते हैं, हर कंट्री के होते हैं, लेकिन जो इस तरह घन डालते हैं ना, ये चीज़ जो है वो हमें अपने तौर पे जो है हर बंदे को सोचनी पड़ेगी, अपने तौर पे अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है वो पूरा कंट्री ठीक होगा और इस तरह के जो है हालात देखने को नहीं मिलेंगे। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो, हमारा आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ कर लीजिएगा, आप लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।